हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डूइंग चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। टिल नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट द मिरर्स, अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। सो एज डिस्कस्ड वी विल डू न्यूमेरिकल्स टुडे। डोंट बी स्केयर्ड, न्यूमेरिकल सुनते ही नाम ऐसे मत सोचना कि अब मैथमेटिक्स आ जाएगी, क्वेश्चन नहीं होगा। फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं किए नथिंग इज इंटरेस्टिंग। बहुत ईजी है बेटा, ध्यान से समझना। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप इसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल कीजिएगा बुक से, किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से, किसी भी अपनी रिफ्रेशर बुक से, तो आपसे हर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है। सो आज हम मिरर्स पे न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, डरना मत इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, बहुत ईजी आराम से समझेंगे। व्हाट, फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter, ठीक है। हमें क्या निकालना है, नेचर, पोजिशन और साइज इमेज का। मैंने आपको बताया था यही चीज पूछते हैं, या तो वो रे डायग्राम में पूछेंगे या वो न्यूमेरिकल पार्ट में पूछेंगे, या दोनों में आता है कई बार। अगर 5 marks का क्वेश्चन आया, 3+2 का क्वेश्चन आएगा, 3 mark में रे डायग्राम आ जाएगा और 2 mark में न्यूमेरिकल आ जाएगा। बहुत ईजी है, कई बार 5 marks में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो क्या बताना है हमने उनको, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज के बारे में सब बताना है, तभी तो हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन, ठीक। किसका ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या है, 1 centimeter, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब मेरे को h दिया हुआ है कितना, 1 centimeter, ठीक है। h की वैल्यू मैंने बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी लास्ट वीडियो में देखना। ये मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये h, इसका साइज दिया हुआ है 1 centimeter, ठीक है। ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो बाय साइन कन्वेंशन इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो यहां मैंने 1 centimeter लिख दिया। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 centimeter, उसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है ये 15 centimeter दूर पड़ा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 centimeter फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो पहली बात तो कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट है वो 15 centimeter दूर पड़ा है, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया u, ठीक है। कितना, 15 centimeter। यूनिट्स लिखनी बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप आंसर भी निकालेंगे यूनिट के बिना मार्क्स कटेंगे। 15 centimeter हमने क्या लिखा, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही होता है सर, है ना, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है 15 centimeter, तो क्या लगाएंगे यहां, साइन कन्वेंशन यू की जगह। अब -15 centimeter, फॉर्मूला से पहले ही मैंने यू की वैल्यू कितनी लिख ली, -15 centimeter, क्योंकि साइन कन्वेंशन से वो लेफ्ट में है, हमारे को तो क्या दिया है, डिस्टेंस 15 centimeter दिया है, ठीक है। तो यू की वैल्यू कितनी होगी, -15, क्योंकि वो लेफ्ट में है। ऑफ कॉनकेव, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter, तो मुझे दिया कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, मैं यहां लिख लेता हूं, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, जिसकी हमारे पास फोकल लेंथ है 10 centimeter। अब बताइए, मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, कहां है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, यहीं पर है ना, फोकस इधर है मिरर, ये होती है फोकल लेंथ। लेफ्ट साइड पे तो क्या होगी, सोचिए, नेगेटिव होगी, हमने देखा भी था, ठीक है, सेकेंड वीडियो में। सो फोकल लेंथ इज -10 centimeter, 10 centimeter है और माइनस साइन मैंने खुद लगा दिया, तो ये तो हमें गिवन है। और अब क्या निकालना है हमारे को, नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर तो बेटा बाद में पता चलेगा, पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वी, इमेज कितनी दूर है, पोजिशन, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब सपोज यहां इमेज बन रही है, इसका साइज क्या है, एच डैश से डिनोट करते हैं, तो मुझे एच डैश निकालना है, ठीक है। और नेचर तो मैं बता दूंगा, रियल इन्वर्टेड है, अगर नेगेटिव आ गया तो रियल इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन से भी बता सकता हूं, ठीक है। तो वो आगे देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमारे को एफ पता है, यू पता है, वी निकालना है, तो हम क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/v, ये तो मैंने गिवन लिख दिया, This is 1/v plus 1/u equal to 1/f, ठीक है। ये तो मेरा मिरर फॉर्मूला है, सबको पता है, ठीक है। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी वो देखिएगा, ये मिरर फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, 1/v plus 1/u equal to 1/f।
अब मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है, तो मैं यू को उधर ले जाऊंगा, जब यू को उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा प्लस की जगह, सबको पता है इजी मैथमेटिक्स, ठीक है। यू को इधर ले जाऊंगा तो 1/u, यहां माइनस साइन आ जाएगा। अब हमारी वैल्यू पुट करनी है हमने, 1/v इज व्हाट इज माय f, f इज माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज माय u, u इज माइनस 15 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर दी मैंने f और u की। अगर इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, माइनस 1/10, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इतना मैथमेटिक्स सबको आता है, ये कितना हो जाएगा 1/15। सो दिस इज माय 1/v वैल्यू, 1/v इज माइनस 1/10 प्लस 1/15, ठीक है, इतना समझ आ गया सबको, सिंपल है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, आप एलसीएम ले लेते हो, सिंपल। तो मेरा 1/v कितना आ गया, मैंने यहां 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, सबको आता है फाइंड आउट करना, 10 और 15 का एलसीएम इज 30, ठीक है, आता है ना 10 15 का एलसीएम, 10 15 5 टू द 10, 5 3 द 15, 3 टू द 6, 6 5 द 30, 30 मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम करेंगे तो ये कितना आएगा, यहां पर इसका एलसीएम ले रहा हूं 10 3 माइनस 3 15 2 प्लस 2, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया है वैल्यू इसकी, माइनस 1/30। तो मेरा 1/v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/30, और मैं अगर इस पे v निकाल लूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, v निकालूंगा तो कितना आएगा, माइनस 30 आ गया, और यूनिट जरूर लिखनी है, v इज माइनस 30 सेंटीमीटर, क्वाइट इजी, ठीक है। क्या किया मैंने, मिरर फॉर्मूला लगाया, यहां साइन कन्वेंशन याद रखना है, मुझे u और f की वैल्यू पता थी और v की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब v की वैल्यू आ गई माइनस 30 सेंटीमीटर, उसका मतलब क्या है कि ये मिरर से 30 सेंटीमीटर पे मेरा इमेज बनाया, और 30 सेंटीमीटर के आगे क्या लिखा है, माइनस साइन, मतलब लेफ्ट साइड पे ही बना है, तो यहां जैसे हमने इमेज बना रखी है, ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल या फ्रॉम मिरर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी पोजीशन ऑफ इमेज, एक आ गया हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, ठीक है, आइए देखते हैं। अब कैसे निकालेंगे नेचर या साइज, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला ही नहीं आता है, एच डैश और एच, मेरा मैग्निफिकेशन क्या है, एच डैश बाय एच, और क्या है माइनस वी बाय यू, इसके भी इक्वल होता है और ये इसके भी इक्वल होता है, पता है। अब आपको मैग्निफिकेशन तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, बट एच दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो आप इजीली एच डैश निकाल सकते हो, ये तो हमने निकाल लिया ना 30 सेंटीमीटर, एच डैश निकालना है, एम तो नहीं दिया हुआ बट ये इसके भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपको एच डैश की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, कितनी होगी, माइनस वी मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन में यू, सबको समझ आ रहा है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, एन से तो कोई मतलब नहीं है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एच डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस वी इंटू एच बाय यू, ठीक। व्हाट इज माय वी, मेरा क्या आया, माइनस 30 सेंटीमीटर, तो ये आ गया माइनस 30। व्हाट इज माय एच, अब एच इसीलिए दिया हुआ था क्वेश्चन में, एच की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज माय यू, माइनस 15 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन याद रखने हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन पहले से लिया और यहां भी पुट करना है फॉर्मूला में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर आ गया 30, नीचे माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, 15 टू द 30 कितना आ जाएगा, माइनस 2, तो मेरा एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। अब जिसने मेरा ये प्रीवियस लेक्चर देखा है उसके लिए बिल्कुल इजी है, क्या मैंने बताया था जब मेरी एच डैश की वैल्यू माइनस 2 आ गई तो उससे क्या मतलब है, एच डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, एक तो इमेज कैसी आई, ऑब्जेक्ट 1 था, इमेज ट्वाइस आ गई, ठीक है, तो मतलब इमेज कैसी है, एनलार्ज है उससे और डबल साइज की है, ठीक है, सो इमेज इज डबल्ड द ऑब्जेक्ट, या एनलार्ज भी लिख सकते हैं, इमेज साइज से डबल है ना, एच की वैल्यू 1 थी इसकी 2 आ गई तो डबल हो गया। माइनस साइन क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे बना था, माइनस साइन बता रहा है इमेज बड़ी बनी और ऑपोजिट डायरेक्शन बनी, ये 1 सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटीमीटर की, बट माइनस साइन, तो माइनस साइन कैसे बता, क्या बता रहा है, इमेज इमेज उल्टी बनी है, दैट मींस, और
माइनस थर्टी क्या बता रहा था, मिरर के आगे बनी है आगे, तो ये क्या होगा रियल और इनवर्टेड। सो दिस रियल एंड इनवर्टेड इज माय नेचर ऑफ इमेज, दिस रियल एंड इनवर्टेड इज माय नेचर ऑफ इमेज एंड दिस इज माय साइज ऑफ इमेज। मैथमेटिकली ये है, वर्ड्स में उसको ऐसे लिख सकते हैं। और नेचर इमेज का क्या होगा, मैंने बताया था या तो नेचर होगा वर्चुअली रेक्ट या रियल इनवर्टेड। ये बता दिया इसने जो इमेज है ये माइनस टू है, माइनस टू का मतलब क्या, ट्वाइस तो है पर माइनस में है, माइनस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ठीक है, माइनस का मतलब यही है ना कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। सपोज ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहां कोई ऑब्जेक्ट था तो मेरी यहां इमेज बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ये 1 सेंटीमीटर का था या 2 सेंटीमीटर का, माइनस टू आया, कितनी दूर बनी 30 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्यों आया क्योंकि मिरर से इधर बनी। ऑब्जेक्ट कितनी दूर था 15 सेंटीमीटर, में फोकल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा रे डायग्राम सिंपली समझाने के लिए बताया, कई क्वेश्चन में पूछा होता है रे डायग्राम, तो आप बता सकते हो रे डायग्राम बना के, ये फोकस से निकलेगी एक इमेज यहां से पास होगी और दोनों आपको इंटरसेक्ट करेंगी। बेसिकली जो हमें समझना है इस क्वेश्चन में, दैट इज मिरर फॉर्मूला से हमने वी की वैल्यू निकाल ली, वी की वैल्यू आई -30, दैट मीन्स ये मिरर के सामने इमेज बन रही है और इमेज का डिस्टेंस कितना है -30, मिरर के सामने बन रही है, दैट मीन्स रियल है, पहले भी पता चल गया और रियल के साथ इन्वर्टेड होता है। अब साइज बताना है इमेज का, एम क्या होता है एच डैश बाई एच माइनस वी बाई यू, ठीक है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, एच डैश की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, एच डैश की वैल्यू आई -2 मतलब ऑब्जेक्ट से डबल है इमेज और माइनस का मतलब इन्वर्टेड है, ठीक। तो मेरा यहाँ नेचर पोजीशन और साइज ऑफ इमेज पता चल गया इस न्यूमेरिकल से, क्वाइट इजी, ठीक है। तो चलिए एक नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखें इसमें, तो आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, सेम वैसे ही न्यूमेरिकल कुछ डिफरेंट फॉर्मेशन में उसका, इजी है, टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट डूइंग द सॉल्यूशन विद मी। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अरे दोबारा से कॉनकेव मिरर आ गया, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर कर जाता हूं, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजिशन ऑफ इमेज, बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन क्वांटिटीज लिख लेंगे, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, अब तो पता है ऑब्जेक्ट क्या है, एच, ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है, पॉजिटिव 2 आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। सर ये तो हमें पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से, मिरर से इधर है तो नेगेटिव साइन लेंगे, सबको पता है, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 3 मीटर हाई। अरे इस बार तो रियल इमेज बोल दिया उसने और इमेज का ही हाइट दे दिया, दैट मीन्स उसने एच डैश की वैल्यू दे दी, कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है सफिशियंट है, नहीं, क्या नहीं सफिशियंट, इसमें रियल इमेज बोला है, साइन कन्वेंशन याद रखना है, माइनस साइन, ठीक है, रियल दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड, मिरर की इधर बन रही है, रियल के साथ हमेशा क्या होगा इन्वर्टेड इमेज होगी, उसने बोला नहीं है इन्वर्टेड बट रियल के साथ क्या है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो यहाँ माइनस साइन आएगा। तो ये मेरे पास गिवन है, ठीक है, एच 2 सेंटीमीटर, रियल इमेज 3 सेंटीमीटर, दैट मीन -3, और ऑब्जेक्ट पड़ा है 16 सेंटीमीटर पे, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है 16 सेंटीमीटर पे, इसकी हाइट है 2 और एक रियल इमेज बन रही है 3 सेंटीमीटर भी, रियल इमेज इन्वर्टेड, पता नहीं कहां पर, यहां भी हो सकती है वो, यहां भी हो सकती है वो, कैसे पता चलेगा, वो तो पोजीशन जान के पता चलेगा ना कि इमेज का डिस्टेंस क्या है। तो आइए देखें अब इसमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है और पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। अगर मैं मिरर फॉर्मूला ही लूंगा 1/v + 1/u = 1/f, अगर मैं ये लगाऊंगा इसमें मुझे क्या पता है, 2 क्वांटिटीज तो पता होनी चाहिए ना तभी तीसरी निकलेगी, मुझे u की वैल्यू पता है, मुझे v भी नहीं पता f भी नहीं पता, ये तो निकालने हैं दोनों, तो कैसे करें सर इसको बताइए, फंस गए, नहीं फंसे हम, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन क्या आया, m क्या आया h डैश बाय एच और दिस इज -v/u, ये फॉर्मूला तो है ना। अब सर इसमें तो हमारे को एच डैश पता है, हाँ पता है, कितना है -3, h पता है, h भी पता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, v नहीं पता, वो तो हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है,
और u की वैल्यू, सर u की वैल्यू भी पता है हमारे को, -16 सेंटीमीटर। इजी, ये तो हो गया ना हमारा काम, तीन वैल्यूज पता है, हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यही दो ही फॉर्मूलाज हैं, इसी भी क्वेश्चन आएंगे सारे। माइनस वी इज -16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू -3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस सबको पता है प्लस होता है। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, 8 3 24, तो माइनस वी की वैल्यू आ गई मेरे पास 24, और वी क्या आ गया -24। क्या गलती नहीं करनी है, यूनिट्स लिखनी है सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ऊपर सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो v की वैल्यू आ गई मेरे पास -24 सेंटीमीटर। तो मतलब ये -24 सेंटीमीटर पे है, मतलब माइनस का मतलब मिरर से इधर होगी, ये कॉनकेव मिरर है, और 24 सेंटीमीटर पे कहीं इमेज बन रही है, तो ये तो हमारा गलत है, इसके इधर तो बन नहीं रही। अगर 16 से कम होता तो यहां बनती, ये तो 16 से ज्यादा है 24 सेंटीमीटर, तो यहां कहीं मेरी इमेज बन रही है। ठीक है, अब मेरे पास v आ गया सर, हाँ अब हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं, मेरे पास v भी है, मेरे पास u भी है, इजीली f निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 by v + 1 by u = 1 by f, v कितना है -24 प्लस 1 by u कितना है -16, 1 by f। ठीक है, अब तो आप निकाल लोगे इसको, -1 by 24 -1 by 16 = 1 by f। 24 और 16 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी कैलकुलेट करो, 24 और 16 का, जल्दी से, 24 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 48। ठीक है, इसका एलसीएम होता है 48, तो ये कितना आ जाएगा -2। इसमें एक चीज ध्यान रखना है हमारे को, क्या ध्यान रखना है कि जब हम इधर से इधर ले जाएं किसी वैल्यू को, यहां से यहां ले जाएं, तो हमारी माइनस या प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा कितना है -1 by 24 -u 1 by 16 1 by f, तो मेरा इसका एलसीएम 48, 24 2 द 48 -2, ये कितना आएगा -3 16 3 द 48 = 1 by f। ठीक है, तो मेरा यहां से मैं निकाल लूंगा तो कितना आएगा, 1 by f इज -5 by 48, और f कितना आ जाएगा, यहां से इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल f कितना देगा, 48 by 5 विद अ माइनस साइन, यही आएगा 48 by 5 विद अ माइनस साइन। इसको अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 9 45, दिस इज 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास फोकल लेंथ कितना आ गया 9.6 सेंटीमीटर, और देखो आपने आंसर निकाला, आपको ऑटोमेटिकली माइनस में आया। माइनस में क्यों आया पता है आप सबको, माइनस में क्यों आया, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ तो यहां पर होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर यहां माइनस नहीं आ रहा ना हमारा, और कॉनकेव मिरर है, तो मतलब हम क्वेश्चन में कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, कॉनकेव मिरर में मुझे पता है फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, अगर मेरा आंसर में यहां माइनस साइन नहीं आ रहा, दैट मींस वी आर डूइंग मिस्टेक समवेयर, तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने फोकल लेंथ और पोजिशन निकाल लिया, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ओ सर, कॉन्वेक्स मिरर आ गया, अब तक तो कॉनकेव मिरर कर रहे थे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर दिया है इस बार हमारे को, कॉन्वेक्स मिरर जिसमें अंदर पॉलिश सरफेस और बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, समझ आ गया आप। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है इसका, तो ये पॉजिटिव 5 लेंगे। ठीक, साइन कन्वेंशन में इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो बेटा हमेशा लेफ्ट में ही होता है ना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखा है मिरर से, तो यू की वैल्यू अब तो इजी लग रहा है, साथ साथ सॉल्व करो अपनी कॉपी पे, यू की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको तो यहां कुछ और देना चाहिए था, अभी तक ऐसा नहीं करा ना हमने, तो ये क्या दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, वीडियो लेक्चर लास्ट
प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट से जो रेडियस होता है दैट इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर। अभी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि ये तो मिरर से उधर दे रखा है, ठीक है, राइट साइड पे है, सो दिस इज पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? सेम चीज, फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब क्या करेंगे इसमें बताओ, व्हाट इज द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, फंस गए सर अब तो हम, अब क्या करें? आर की वैल्यू पता है हमारे को, ठीक है, सबने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय टू, फोकल लेंथ हाफ होता है ना, यहां फोकल लेंथ होगा, यहां सी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है, तो बस काम बन गया हमारा। अगर हमें साइज पोजीशन निकालना है इमेज का तो मुझे यू के साथ एफ चाहिए होता है ना मिरर फॉर्मूला में, तो एफ हमारे को मिल गया। तो अब ये हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा पास एफ क्या आया? 30 डिवाइड बाय 2, एफ कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। सर अब आप बोलोगे कि पहले क्वेश्चन में तो सर हमने नेगेटिव लिया है फोकल लेंथ, इसमें आप कह रहे हो प्लस 15 आएगा, प्लस 15 क्यों आएगा? ठीक सोच रहे हो आप, प्लस 15 इसलिए आएगा क्योंकि फोकल लेंथ अब इस साइड है ना, इस साइड है, ये सेंटर सर्कल इस सर्कल से काटा है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर, तो फोकल लेंथ राइट साइड है, तो फोकल लेंथ राइट साइड है तो क्या आएगा? बाय साइन कन्वेंशन प्लस 15 सेंटीमीटर। मेरे पास अब फोकल लेंथ है, मेरे पास क्या है? डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इजीली इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब तो पता लग गया आप सबको, 1/v + 1/u = 1/f। अब बोलोगे सर क्या बोरिंग काम कराई जा रहे हो, सेम न्यूमेरिकल सेम कैलकुलेशन, करो इसकी कैलकुलेशन। व्हाट इज एफ? एफ इज 15। व्हाट इज यू? यू इज -10, ठीक है, 1/15 प्लस 1/10, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, इतनी चीज समझ आ गई। हमें निकालना है v, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही 15 10 आया था, इसका एलसीएम 30 बताया था मैंने आपको, 15 2 30, 10 3 30, दिस इज माय 3 + 2 5/30, सब इजीली मैथमेटिक्स कर लेंगे। अब v इज रेसिप्रोकल करेंगे उसको, v इज 30/5 दैट इज इक्वल टू +6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 6, बहुत है इतना? नहीं, यूनिट लिखनी है साथ में, याद रखना है, v इज 6 सेंटीमीटर। तो मेरा ऑब्जेक्ट इमेज जो बना, माय इमेज इज 6 सेंटीमीटर, और ये प्लस आया, प्लस ही आना चाहिए, क्यों? इमेज कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनती है? राइट साइड पे बनती है हमेशा, हमने पढ़ा बिहाइंड द मिरर, तो पोजीशन 6 सेंटीमीटर कहां? बिहाइंड द मिरर, हमने रे डायग्राम में भी पढ़ा, तो मेरा इमेज का जो पोजीशन आ गया वो निकल गया कितना? 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब मुझे क्या निकालना है? नेचर और पोजीशन। नेचर का तो हमें एक पार्ट यहीं से पता चल गया, आपको पता है पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव तो इधर बन रही है, मिरर के पीछे तो वो तो वर्चुअल होगी, ठीक है ना, मिरर के पीछे वर्चुअल होगी, तो इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, यहां लिख लेते हैं हम, उसको वेरीफाई भी कराऊंगा मैं आपको आगे, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो आइए देखते हैं इरेक्ट बनेगी या नहीं, बननी तो इरेक्ट चाहिए ना, वर्चुअल तो पता लग गया हमें बिहाइंड द मिरर है, तो इरेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? अब मुझे निकालना है साइज ऑफ इमेज। सर साइज ऑफ इमेज के लिए तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, भी आपने बताया h' / h मैग्निफिकेशन और -v/u, ठीक है, h' / h -v/u। अब सर इसमें h भी पता है हमें, v भी पता है, u भी पता है, काम बन गया। h' निकालना है -v × h/u, सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम ही ऐसे करना है, ठीक है। मेरा v क्या है? 6 सेंटीमीटर, h 5 सेंटीमीटर, u क्या है? -10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसल, क्या बच गया है? 6 × 5 = 30 / 10 = 3 सेंटीमीटर। सो मेरी जो h' की वैल्यू आई, h' की वैल्यू कितनी आई? 3 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज, तो ये निकल गया साइज ऑफ इमेज मेरा कितना आया? 3 सेंटीमीटर। अब साइज ऑफ इमेज प्लस 3 है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? कॉनकेव मिरर में -3 कर रहे थे, +3 साइज ऑफ इमेज है, उसका मतलब क्या है? यस, +3 साइज ऑफ इमेज का मतलब है कि वर्चुअल तो है पर इमेज सीधी बन रही है, ऑब्वियसली सीधी बनेगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही तो आएगा, तो मैं यहां से भी पता चल गया +3 से का +3 का मतलब क्या है कि इमेज सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही
इमेज है, इरेक्ट इमेज बन रही है. तो दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर कॉन्वेक्स मिरर इन विच वी हैव टू फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज. ठीक है, तो ऐसे अब बेटा कोई भी न्यूमेरिकल करो एनसीईआरटी से, रिफ्रेशर बुक से, आपका हर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. अगर कोई नई न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. थैंक यू.